ले लो ले लो उसको ले लो उसको 2.5 लाख में ले लो 2.5 लाख में ले लो 2.5 लाख भाई। ओए व्हाट इज दिस मैन स्नो या काइंड ऑफ दोपहर में नहीं हो सकती। उधर देख बादल बन रहे हैं, माहौल चेंज होता हुआ। उधर देखो, ये कंपैरिजन वीडियो हम बाद में भी कर सकते हैं लेकिन अभी भाइयों बहनों इस कंपैरिजन वीडियो के बीच में मौसम ने ली है करवट। यही खूबसूरती है पहाड़ों की, एकदम बदल जाता है, कब धूप है और कब एकदम माहौल बदल जाएगा ना। देखो भाई, हम थोड़ा थोड़ा ना कुछ डॉट डॉट और कुछ मतलब कुछ फील कर रहे हैं, कुछ है जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। माइट बी स्नो, माइट बी समथिंग एल्स, डोंट नो, कोई झाड़ू भी मारा होगा ऊपर, पता नहीं भाई मेरी गलती नहीं है यार, नहीं, उसका रीजन है रॉयल एनफील्ड की बुराई कैसे सुनो यार। नहीं, उसका रीजन ये है कि बोलो 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 भाई, एक दोस्त साइड में बता रहा हूं। सो स्वागत है गाइस आप सभी का आज के बहुत ही स्पेशल व्लॉग में। आज मेरे साथ आया मेरा भाई जीत, ठीक है, और मंजीत, और जीत मंजीत व्हाटएवर फर्क नहीं पड़ता यार, इसको जीत कह लो, मेरे को मंजीत, या मेरे को जीत इसको मंजीत, ठीक है, दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं। सो गाइज, आज के स्पेशल व्लॉग में खासियत क्या है? खासियत ये है कि आज हम लोग एक बंद करने जा रहे हैं कंपैरिजन वीडियो, किसके बारे में? ओ भाई, वीडियो किसके बारे में? जीत लेके आया है BMW की GS 310, रैली प्रो मॉडल है भाई, टॉप मॉडल है हिमालयन, और मैं एज इट इज मैं यूज कर रहा हूँ हिमालयन 411, ठीक है। हमने ये नंबर नाम बोले तो चीता, ठीक है। सो जीत मेरे भाई, आज हम लोग के एक ऑनरशिप रिव्यू भी कर रहे हैं क्योंकि जीत काफ़ी टाइम से इस बाइक को चला रहा है, ठीक है, तो अपने को ये भी देखना है कि भाई कितना सेटिस्फाई है। और हमने रिव्यूज़ बहुत सारे देखे हैं हिमालयन को लेके भी, तो हमें ये देखने का हिमालयन पे BMW कितनी भारी है, ठीक है, और जितनी हम एक एक्स्ट्रा कॉस्टिंग देते हैं BMW के लिए, क्या वो इतनी भारी क्या वो मतलब वर्थ है? सो भाई से पूछते हैं वर्थ है या नहीं है, इसने हिमालयन को साइड करके BMW क्यों चूज की। सो जीत मेरे भाई ऐसे आओ थोड़ा सा क्लोज, ठीक है। सो पहले तो यार ये बताओ, मतलब ऐसा क्यों, वाई BMW 310 बताओ आज, कि जब बाइक चूज करने लगे थे इस सेगमेंट में, और भी बाइक के ऑप्शंस थे, बोले तो सेगमेंट को लीड कर रही है हिमालयन, आपने BMW को क्यों भाई? यार मुझे ऐसा लगता है ना कि रॉयल एनफील्ड एजेस से कॉन्स्टेंटली रूल करती हुई आ रही है और कर रही है, बट देयर इज अ बिग बट भाई मेरी गलती नहीं है यार, नहीं, उसका रीजन है रॉयल एनफील्ड की बुराई कैसे सुनो यार, नहीं उसका रीजन ये है कि बोलो 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 भाई, एक दोस्त साइड में बता रहा हूँ। अच्छा तो उसका रीजन ये है कि एक्चुअल में दिस हैज बीन बेसिकली रॉयल एनफील्ड की जो USP है वो ये है कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल बाइक्स बनाते हैं येट वेरी पावरफुल, क्योंकि इंडियन रोड्स कंटिन्यू इंडियन रोड्स, इंडियन रोड्स को देखते हुए और जो हमारे यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन है हमारे देश की उसको देखते हुए, आई थिंक आरी की जो बाइक्स हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, कैसे चलाई है ये भी सोचने की बात है भाई। बहुत अरसे से क्लासिक 350 यूज़ कर रहा है, yes. उसके बाद रॉयल एनफील्ड को साइड करना, कहते हैं कि रॉयल एनफील्ड के जो यूजर्स हैं ना बहुत जेन्युइन यूजर्स होते हैं, exactly. और साथ नहीं छूटना, हाथ नहीं छूटना, वो वाली बात होती है। रीजन ये था कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, आज की डेट में ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर जैसी कई चीजें, स्लिपर क्लच जैसी कई चीजें आती जा रही हैं बाइक्स के अंदर, वेयर एज रॉयल एनफील्ड ये चीजें प्रोवाइड नहीं करता। कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत पड़ती है, और जहाँ तक मैंने और मेरे छोटे भाई ने फील किया, तो निशांत जो मेरा छोटा भाई है उसका जो ही वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स गोइंग फॉर अ टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन। तो जब बात आती है इस सेगमेंट में, इस बजट में, तो आई थिंक हमें जो लगा इससे बेटर मशीन, इससे बेटर ब्रांड वैल्यू और किसी चीज़ में हमें मिल नहीं सकती। हमने काफ़ी मशीन्स को कंपेयर किया, हिमालयन थी हमारे पास, BMW G310 GS एडवेंचर थी हमारे पास। कितने मतलब कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े आपको, मतलब ऑन रोड कितने की पड़ रही है अभी? ऑन रोड कॉस्ट इसकी है 3,65,000 एंड उधर थोड़ा सा मुंह घुमाओ, इधर घुमा लो ले लो 2.5 लाख में ले लो 2.5 लाख
ले लो भाई, लाख भाई, एक लाख रुपए एक्स्ट्रा देने का और बीएमडब्ल्यू लेने का, ठीक है ना। ड्रॉबैक बताता हूँ, एक ड्रॉबैक, इसमें भी ड्रॉबैक है, ये लगे हुए स्पोक्स, ये ड्रॉबैक है, पंचर होगी ना पागल हो जाओगे ढूंढते फिरोगे, इधर आ जाओ, ये लगे हुए हैं अलॉय व्हील्स, पंचर होती है इंस्टेंट। हाँ क्या कर रहा तू भाई, पंचर मत कर दियो भाई ने अभी अभी बोला कि पंचर नहीं होता इसमें, मैं टेस्ट कर रहा था, नहीं इंस्टेंट, यू कैन रिपेयर योर पंचर इंस्टेंटली, वेयर एज टायर साइज ड्रिपिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, टॉर्क जो इसका है वो बहुत अच्छा है, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, टॉर्क इसका बहुत अच्छा है कंपेयर टू हिमालयन। नहीं बट बीइंग अ हिमालयन यूजर मैं एक चीज से सहमत हूँ भाई ने जो बोली है, ठीक है, मुझे नहीं पता आरी के दिमाग में क्या चल रहा है, ऑफ रोडर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, बट यहाँ पे आके बीइंग अ यूजर ऑफ हिमालयन मैं भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि इस बाइक में अगर वो स्पोक्स दे भी रहे हैं तो स्पोक्स के बाद भी बहुत टेक्नोलॉजी है जिसमें इसमें इसको ट्यूबलेस किया जा सकता है, लेकिन नहीं अगर आरी थोड़ा सा काम करे ना, मैं मानता हूँ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है, ठीक है, लेकिन मैं जब रोड पे चल रहा था ना मेरे को जेलस फील हो रहा था क्योंकि काफी जगहों पे ना मैंने ऑब्जर्व किया भाई मेरा बीएमडब्ल्यू ने बाजी मार दी, मैं बता रहा हूँ भाई, देखो किसी को नहीं पता कि नीचे 310 सीसी का इंजन लगा हुआ है, लेकिन हाँ। इसका ना इतना बड़ा मुंह बना रखा है आगे बीएमडब्ल्यू का, इधर आओ भाई, इधर आओ, ये देखो ये लो इतना बड़ा मुंह, और ये जो लोगो लगा हुआ है ना भाई, इसकी वैल्यू है भाई, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसके पीछे 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा है, अदरवाइज जितने यूजर्स हैं जो बीएमडब्ल्यू के बारे में जानते हैं वो वैसे एक्चुअल में जानते होंगे कि इसमें जो इंजन की टेक्नोलॉजी और जो इंजन है वो टीवीएस का है, ठीक है ना? जल रही है, मैं बता रहा हूँ जल रही है भाई, जल रही है, जिसका मर्जी हो मशीन चल रही है हमारी, रोड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, रोड से लग के चलती है, हाँ भाई, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, जिम्मेदारी तो बीएमडब्ल्यू ले रही है इसकी हाँ इसकी ओवरवेट नहीं है, मैं आपको बता दूं सस्पेंशन इतना प्यारा है, ये देखो सिर्फ एक हाथ से आप सस्पेंशन को चेक, तू करियो जरा एक बारी, लियो लो भाई सस्पेंशन, ये देखो खड़ा 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 देख लिया ना, ये देखो अब ये देखो जरा सस्पेंशन, लेकिन भाई मैं इधर आओ, इधर आओ सस्पेंशन गाइस, ये इधर आओ, कम टू माय दोरे, इधर इधर देखो भाई, ये चलता फिरता घर, ये देखो इतना साजो सामान, अरे भाई तुम बीएमडब्ल्यू पे लाद के दिखाओ, इतना साजो सामान, फ्रंट पैक आगे पीछे पैनियर्स टॉप बॉक्स, अबे खाली टॉप बॉक्स पैनियर्स किधर लगेंगे बे, स्मार्ट ट्रैवलर्स नेवर ट्रैवल हेवी, दे ट्रैवल लाइट, स्मार्ट ट्रैवलर्स जो होंगे यू जस्ट नीड अ टॉप बॉक्स हियर, ठीक है, यहाँ पे टॉप बॉक्स आपका आ गया, ये आपका टैंक बैग आ गया, ये आपका हेलमेट आ गया, हेलमेट में आपको चाहिए एक इंटरकॉम ब्लूटूथ, दैट्स ऑल एंड यू आर गुड टू गो भाई, चलो ज्यादा कोई सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दोनों ही कोई जरूरत नहीं है लोड करने की, जितना इस बंदे ने किया हुआ है मैं बता दूं आपको, फ्रेंकली जीत जीत, टू बी ऑनेस्ट लाइक हम बहुत ज्यादा इस वीडियो को लंबी नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने तारीफ करता रहेगा, मैं तारीफ करता रहूंगा क्योंकि भाई हमने भी खरीद रखी है, पैसा लगा रखा है और भाई ने भी लगा रखे है, बुरा लगता है यार कोई अपनी चीज की बेइज्जती करे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल प्रैक्टिकली हम कुछ टेक्निकल बातें करेंगे दोनों के बीच में, मेरे भाई जैसे हम हिल्स में आते हैं, हिल्स में यूजुअली हम देखते हैं कि जब हम थोड़ा सा स्टीप कहीं भी हाइट पे चढ़ रहे होते हैं ना, हाई तो पावर का कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड में तो एवरीबडी नोज जो बेसिक चला रहे हैं कोई भी मॉडल चला रहे हैं कि पावर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉप आता है, भाई तुम्हारे बीएमडब्ल्यू में तुम्हें फील हुआ, पिलियन के साथ तुम चल रहे थे तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक फ्लैट सरफेस पे चलते चलते जब स्टीप पे आए तो तुम्हें कहीं ना कहीं पावर रिड्यूस लगी, लोड लगा कहीं पे कि हाँ लोड हो रहा है थोड़ा? वेल डिपेंड करता है कि हम कितनी हाइट पे जा रहे हैं, ऑन एन एवरेज हाइट से ऊपर आप जाओगे तो आपकी बाइक का जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन चला जाता है, और इसका नहीं हर मशीन का जाता है, बट अदरवाइज पावर और टॉर्क में मुझे कमी नहीं लगी। तो भाई अब ये बता दो कि बीएमडब्ल्यू की टॉप स्पीड कितनी जाती है, कितना मैक्सिमम? मैं लेटे गया हूँ 120, और ना मैं किसी को सलाह देता हूँ कि उससे ऊपर आप जाएं, क्योंकि वैसे इंडिया में इससे ऊपर चलने के अभी रोड भी नहीं है, रोड भी नहीं है, so और जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट, अगर रोड हो भी जाएंगे ना भाई, इतने कैमरे लगा दिए अभी इन्होंने रोड पे कि 120 से ऊपर चलने भी नहीं देंगे, दो कैमरे तो यहीं लगे हुए हैं ठीक है। सो भाई वैसे बीएमडब्ल्यू जो है 140-145 जाती है, ऐसा जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो बताते हैं, ठीक है, बट डोंट गो विद दैट स्पीड, ठीक है, लेकिन हिमालयन को लेके मैं बता दूं, हिमालयन की जो टॉप स्पीड है मैक्स जब पैनियर्स के साथ फुली लोडेड होती है 120 से 125 के बीच में जाती है, ठीक है, हिमालयन इज नॉट फोर स्पीड,
ठीक है ना, इट इज एडवेंचर बाइक, दीज आर एडवेंचर बाइक्स बेसिकली, ये स्पीड सेगमेंट नहीं है, हाँ, ये स्पीड सेगमेंट है ही नहीं, बहुत अच्छी क्रूज करती है, सेट होके चलती है रोड पे, लेकिन आप यही सलाह है कि इसे 100 तक चलाए बस, उससे ज्यादा ना चलाए, ठीक है। उसके बाद एवरेज, हर एक इंडियन बाइकर को सवाल सबसे पहला यही होता है, आप कॉमन मार्केट में निकलो, कहीं भी निकलो, लोग दो चीज पूछते हैं, पहला भैया कितने की बाइक है, कितना देती है, कितनी एवरेज देती है, ये दो चीजें हैं सबसे, कितना देती है भाई, BMW कितनी दे रही है भाई, 30+ की एवरेज है इन 1 लीटर। तो भाई इसमें, इस सेगमेंट में, इसमें अपनी हिमालयन लीड करती हुई अपनी बाइक एट प्रेजेंट 35 से 40 के बीच में एवरेज दे रही है, ठीक है। सेकंड मेजर डिफरेंस इज 310 cc का इंजन है, देन 30 की एवरेज है मेरे भाई, 411 cc का इंजन है, 35 से 40 की एवरेज ज्यादा अच्छा है, टॉर्क इनसे ज्यादा अच्छा है, पहले बता रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी यार एक और, तो भाई होप मेजर मेजर जो भाई चाहते हैं कि हम हिमालयन और BMW 310 के बारे में बात करें, हमने काफी बात कर ली, उम्मीद है कि काफी लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे, ठीक है। आई एम श्योर, आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है, ठीक है, और भाई मंजीत को भी यही पसंद है, मैं बताता हूँ ये, क्योंकि ये ले चुका था इस बाइक को, ये ले चुका था, और इसके खरीदने के 3 महीने बाद या 4 महीने बाद हमने लिए, मैंने लिए भाई, तब जाके बंदे के दिल पे आ गया पत्थर, अब ये बेच सकते नहीं, दरवाजे टाइट कर दिए, आरी वाले अगर मेरी सुन लेना भाई, 650 चाहिए इसमें प्लीज, बनाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, या तो 650 दे दो या इस बाइक की स्पीड बढ़ा दो भाई, वेरी मच नीडेड, 140-145 बाइक जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये हमारा वीडियो, हमारा कैमरामैन भी कुछ कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ट्यूबलेस टायर उसमें दे रखे हैं, उसमें नहीं दे रखे हैं, हिमालयन में, ये मेटियोर में दे रखे हैं, ओ भाई यार इधर 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 मेटियोर में ट्यूबलेस टायर दे रखे हैं, ओ भाई कैमरामैन थोड़ा सा ना फील कर गया, तो उसने अपनी बाइक भी दिखानी जरूरी समझी है। सो गाइस इसी के साथ करते हैं वीडियो, हम ले रहे हैं बर्फबारी का मजा, आप लोग भी अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, मां-बाप का ख्याल रखें, सीधे बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उसी में आपकी लाइफ खुश और बेहतर बनी रहेगी। भाई हमने वीडियो देख ली, हमने थोड़े कांचे काटे, दो हम भी बर्फ के स्वाद ले, दियो मत मत सर मत सर, मामा रोज अंदर जाती है।